नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुघर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। श्रीगंगानगर के एक दर्दनाक हादसे में घर में आग लगने से पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 5 से 7 बजे के बीच घर में रखी रद्दी में आग लगने के कारण हुआ। दमकल की टीम फर्स्ट फ्लोर की खिड़की तोड़कर कमरे तक पहुंची। दोनों के शव आग में पूरी तरह से जल गए थे। दमकल कर्मियों ने पॉलिथीन में भरकर शवों के अवशेष निकाले। बताया जा रहा है कि पति पत्नी मानसिक तौर पर भी कमजोर थे। दमकल अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को शहर के एफ ब्लॉक स्थित एक घर की फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई। यहां अनिल कुमार नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। दोनों की आग से झुलसकर मौत हो गई। जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग काफी फैल चुकी थी। दमकल की टीम आग बुझाकर कमरे तक पहुंची। वहां दोनों के शव आग में पूरी तरह से जल चुके थे। दोनों के शवों के अवशेष को खिड़की तोड़कर निकाला गया। आसपास के लोगों ने बताया कि हादसे में मारा गया अनिल रद्दी चुनकर लाता। इसके कारण रद्दी के कागज से उसका घर भरा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि सुबह अंगीठी जलाते समय रद्दी में आग लग गई। सुबह करीब 7 बजे पड़ोसियों ने मकान में धुआं निकलता देखकर दमकल और पुलिस को सूचना दी। पड़ोसियों ने बताया कि आग लगने के खतरे के कारण दंपति को कई बार घर में कबाड़ का सामान रखने के लिए टोका गया था। बड़ी मात्रा में कबाड़ होने के कारण दमकल को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। दमकल कर्मियों ने दोनों शवों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाल लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुघर बुलेटिन। नमस्कार।